नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेशों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो शहर के लाइसेंसधारी शराब व्यवसायियों से आप भी सीख सकते हैं। बीते कुछ दिन पूर्व गोगुंदा क्षेत्र में शराब व्यवसायियों द्वारा थानाधिकारी पर लगाए आरोपों के बाद जिला पुलिस अधीक्षक शहर का एक आदेश आया कि और तय किया गया कि जिस भी थाना क्षेत्र में देर रात 8 बजे बाद नियम विरुद्ध शराब बिकती नजर आई तो थाना क्षेत्र के और संबंधित दुकान के बीट ऑफिसर पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के आने के साथ ही आदेशों को लेकर अखबार और सोशल मीडिया पर खबरों की बयार सी आ गई। एसपी साहब के आदेश को ध्यान में रखते हुए शहर के खोजी पत्रकार मुख्य शहर को छोड़कर कहाँ बलीचा, सुखेर, गाँव रामपुरा रात 8 बजे बाद नियम विरुद्ध बिकती शराब के वीडियो बनाकर चलाकर एसपी साहब को बताने लगे कि प्रयास करने लगे कि आपके नियमों और आदेशों की पालना विभाग के कार्मिकों के द्वारा ही नहीं की जा रही है, लेकिन आपको जो नज़ारे हम दिखा रहे हैं वे हाथीपोल थाना क्षेत्र में आने वाले चेतक चौराहे से हॉस्पिटल मार्ग के हैं, जहाँ चेतक मॉल और पेट्रोल पंप के मध्य बनी कॉर्नर पर बनी दुकान के शटर के चोर शटर से रोजाना रात भर नियम विरुद्ध शराब बेची जा रही है। रात भर यहाँ शराब के शौकीन पहुँचते हैं, शटर बजाते हैं, खुलते छोटे शटर से शटर शराब भी दी जाती है। अगर आपको यह लगता है कि नियम विरुद्ध होते इस खेल सारे खेल की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को नहीं है तो यह बेमानी सी बात हो जाएगी। यहाँ पर कई बार पुलिस की होक 112 खड़ी रहती है, उसके गुजरते ही फिर से यह अवैध कारोबार जारी हो जाता है। शहर में होता यह अवैध शराब का खेल कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता है। जब महाकाल मंदिर के आगे बने आईजी के मकान के सामने शराब व्यवसायी के द्वारा खुलेआम 8 बजे बाद शराब बेचने का कार्य किया जा रहा है, इसे भी छोड़िए, सूरजपोल थाना के खटीकवाड़ा क्षेत्र में बिना लाइसेंस के खुलेआम अवैध शराब बेचने का काम महिला, पुरुष, बच्चे सब के सब करते हैं। ऐसे में साहब के आदेश को लेकर इतना सीरियस होना भी कि 8 बजे बाद शराब नहीं मिलेगी, यह सोचकर शराब के शौकीनों को चिंता में भी नहीं आना चाहिए।